الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت لكل تقي او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم मेरे मुआजद सामीन व नाजरीन सईदना अबूदरदा रजी अल्लाह तु ने एक मरतबा अज़र सलमान रजी अल्लाह तन को कुछ नसीहतें फरमाईं और उन नसीहतों में से एक नसीहत यह फरमाई कि मेरे भाई मस्जिद तेरा घर होना चाहिए मस्जिद से मोमिन का ताल्लक जुड़ा हुआ हो इशाद फरमाया कि

नेक मुतकी और सुलह का दिल हर वक़्त मस्जिद के साथ लगा रहता है प्यारे पैगम्बर वसल्लम ने शाद फरमायामिन मस्जिद का कसम की फिदमा के मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है कि जिस तरह से एक मछली पानी के अंदर होती है अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़प तड़प करके मर जाएगी उसकी जिंदगी पानी के साथ वा है इसी तरह मोमिन आदमी का दिल मस्जिद के साथ अटका रहता है और जैसे ही मस्जिद से बाहर जाता है तो वो भी बेताब हो जाता है तड़प उठता है कि कैसे मैं वापस मस्जिद में आऊं जबकि इसके मुकाबले में मुनाफिक आदमी का दिल मस्जिद में नहीं रखता इशाद वल वमुना फिकिल मस्जिद कत रिफिल कफस कि मुनाफिक आदमी का दिल मस्जिद में नहीं रखता और मुनाफिक मस्जिद के अंदर ऐसा होता है जिस तरह के एक परिंदा पिंजरे के अंदर होता है इससे क्या बात मालूम हुई कि मस्जिद में दिल न लगना ये निफाक की इलामत है अल्लाह इज़्ज़त हिफाजत फरमाए और इसको परिंदे के साथ मिसाल दी गई कि जिस तरह के एक पिंजरे के अंदर मुकैत परिंदा जो है वो बेताब होता है और उसकी ये तड़प होती है कोशिश होती है कि किसी तरीके से वो पिंजरे से बाहर निकल जाए और आज़ाद हो जाए यही हाल मुनाफिक का मस्जिद के अंदर होता है कि जब वो मस्जिद में जाता है तो बेताब हो जाता है कि कब मैं फ़ारो हूँ यहाँ से और बाहर निकलूँ और बाहर जा करके बाज़ारों में जाऊँ मजसों के अंदर महाफिल के अंदर जाऊं, फितना फसाद की जगहों तो के अंदर जाऊं, तो इसलिए फरमाया कि मोमिन का दिल मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है और मुनाफिक मस्जिद के अंदर खुश नहीं रहता इसलिए हर मोमिन और हर मुतकी का घर मस्जिद होना चाहिए तैयार ने मर फरमाया कि जो आदमी मस्जिद का अहतमाम करेगा और मस्जिद को अपना घर बनाएगा तो फरमाया कि मैं ज़मानत देता हूँ कि पुलिस सिराज से अल्लाह तबारक व तै उसको तेज़ी से गुजार देंगे कितनी बड़ी जमानत है और ये जमानत कौन दे रहा है अल्लाह के हबीब सल्ह वसलम जिनका मरतबा और मकाम बाद खुद बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तर दुनिया में कोई आदमी अहदे वाला मरतबे वाला किसी बात की जमानत उठा ले किसी बात की जमानत दे दे कि तुम बेफिक्र हो जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा तो इंसान कितना मतमयन हो जाता है और मसरे से ताल्लक रखने वालों को अल्लाह के रसूल वसल्लम ज़मानत दे रहे हैं कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूं कि अल्लाह तबारक तआला उसको पुलिस सिराज से पार कर देंगे और सिराज से पार होना ये कोई मामूली चीज़ नहीं कोई मामूली ज़मानत नहीं है इसलिए हर एक अहले ईमान को अपना तालक़ मस्जिद के साथ जोड़ करके रखना चाहिए ख़ुद भी मस, मसाजिद के अंदर जाने का अहतमाम करें और अपने बच्चों को भी अपने साथ मस्जिद ले करके जाएं। जब सात साल की उम्र को पहुंच जाएं तो उनको अपने साथ मस्जिद ले करके जाए छोटे बच्चों को मस्जिद ले करके जाना इसके अंदर इस्तेमाल होता है कि वो मस्जिद की भी अदबी ना हो जाए कहीं मस्जिद को जा करके पुरागंदा ना कर दें मस्जिद के अंदर गंदगी ना डाल दें इसलिए सात साल की उम्र से प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है मुरू सब सलातीजा बलू सवान के तुम अपने बच्चों को जब सात साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो और नमाज पढ़ने के लिए अपने साथ मस्जिद के अंदर लेकर के जाओ तो अहले ईमान का ताल्लक़ मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है। अल-अली रजी अल्ला प्यार पीम्बर सल्लाम की लखत जगर सईद फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह के दरमियान में एक मौका पर कुछ बात हो जाती है और बात की अंदर थोड़ी सी अनबन हो जाती है बात बिगड़ जाती है कुछ इख्तलाफ हो जाता है तो हज़रत फातिमात ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला से नाराज़ हो के हजरत अली रज़ी अल्लाह अन मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं न डांटते हैं न डिबटते हैं न डा उठाते हैं न झिड़कते हैं बल्कि फौरन घर से निकले और मस्जिद में चले प्यारे पेगम्बर सल्लम इतने में जब हज़रत फातिमा रजी अल्लाह त से मुलाकात के लिए उनके घर तशरीफ लाए तो फातिमा रजील त से पूछा कि अली कहाँ गए उन्होंने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाराज़ होकर मस्जिद में चले गए हैं इससे क्या बात मालूम हुई कि जब कोई परेशानी आती थी नाराज़गी हो जाती थी घर में कोई बेचैनी होती थी तो ईमान वाले सीधे मस्जिद में चले जाते थे तो अगर हमारे घरों के अंदर कोई बेचैनी हो इख्लाफ हो जाए तो ऐसी सूरत के अंदर घर में जब सुकून न मिले तो हमें भी चाहिए कि हम मसाजिद का रुख करें और मस्जिद में जाकर के दो रकात नमाज पढ़ करके इज़्ज़त से सवाल करें प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रजी अल्लाह अनु के पीछे मस्जिद में तशरीफ ले गए देखा अली रजी अल्लाह त मस्जिद में लेटे हुए हैं उस ज़माने के अंदर मस्जिद कच्ची थी नीचे मट्टी थी न कालीने न दरिया रजी अल्लाह तुम के बदन के साथ मट्टी लगी हुई थी प्यारे पैगम्बर सल्लम आए और इरशात फरमाया कुमया अबा तो ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ आप सल्स के इसी फरमान से अली रजी अल्लाह तुकी कुनियत अबू तो रब मशहूर हुई और अली रजी अल्लाह तख्र फरमाया करते थे कि अल्लाह के नबी सल वसम ने मेरी कुनियत अबू तो मट्टी वाला मुतिन फरमाई है किस कदर मोहब्बत के सबाकर रसमानजमाइन को प्यार पैगम्बर सल्हल् से कि सारी जिंदगी उन्होंने अपनी इस लफज को कि कुम या अबा तो राव ए मट्टी वाले खड़े हो जा अपनी कुनीत ही बना दी प्यारे पेगम्बर सल्लम अली रजी अल्लाह तु को अपने साथ लिया और उनके घर तशीव ले गए हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास न हजरत अली रजी अल्लाह तुन से पूछा कि तुम्हारे और फातिमा के दरमियान में क्या लड़ाई हुई है और न ये फातमा रजी अल्लाज इसलिए कि प्यारे पैगमर सल्ला व्लम ये जानते थे कि ये फितरत इंसानी है इंसान के बशी तकाजों की बिना पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मियाँ बीवी के दरमियान में अनबन हो जाती है इसलिए इसको कुरेदना नहीं चाहिए जितना कुरेदेंगे इतनी बातें बढ़ेंगी प्यारे अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लायद अली रजी अल्लाह तआला को एक तरफ़ बिठाया और फातिमा रजी अल्लाह तआला तक को दूसरी तरफ और दोनों को हाथ पकड़ा और आपस में मिला दिया आपस में सुलह करा दी और जब बाहिर तशरीफ़ लाए तो साहब इकराम रिजवान अजमाइन ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं प्यारे सल्लल्लाहु पेमद्ल है कि हाँ खुश क्यों ना हो एक बेहतरीन जोड़े के दरमियान में सुलह करवा करके आया हूं इस वाके के अंदर हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं उन वालदे के लिए जिनकी बच्चियां ब्याह गई हों दूसरे घरों के अंदर चली गई हों उनके लिए नमूना है उस वह हसना है कि जब बच्ची और दामाद के दरमियान में किसी बात की अंदर अनबन हो जाए तो वो बेसब्र न हो और प्यार पैगम्बर सुन्नत पर अमल करते हुए उन दोनों के दरमियान में सुलह सफाई करवा दें मिया बीवी की बातों के दरमियान में कुरेद न करें शोहरों के लिए नमूना है कि जिनके पास दूसरों की बेटियाँ मौजूद हैं कि किस तरह उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरह सुलह और मोहब्बत के साथ मामला का रफा दफा हो करना चाहिए ताकि जिंदगी का निज़ाम जो है वो चलता रहे तो बात इस प्यार कर रहा था कि मोमिन आदमी का दिल मस्जिद के साथ रहता है और मस्जिद से बाहर निकलने पर उसे बेचैनी होती है एक हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उतरते हैं और अल्लाह तबारक तआला के मुकर बंदों को तलाश करते हैं कौन से बंदे जिन्होंने मस्जिद को अपना घर बनाया हुआ है जो अक्सर मस्जिद में आते रहते हैं मसाजिद के अंदर अपना वक़्त गुजारते हैं तो फरमाए कि ऐसे लोगों से फरिश्ते आकर के मुसाफा करते और अपने परों को उनके जिस्मों के ऊपर मलते हैं किस कदर अजीम सिफत है अहिल ईमान की कि जो मसाजिद के साथ अपना तल्लक जोड़ते हैं कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आकर के उनके साथ मुसाफा करते हैं और अपने पर उनके जिस्मों के साथ मलते हैं कि जो कि मासूम मखलूक है हमारे यहाँ अगर कोई बुज़र्ग आ जाए कोई अल्लाह वाला आ जाए तो हम उससे मुसाफा करने को मनक़ा करने को अपने लिए बहुत बड़ी शादत समझते हैं तो किस सादत कदतमन हैं वो अहले ईमान कि जिनके साथ अल्लाह के फरिश्ते आ कर के मुसाफा करें मनक़ा करें और उनके लिए अल्लाह तबारक व ताली से मफ़रत की और रहमत की दुआएं करें मसाजद के अंदर जाएंगे तो अल्लाह के साथ ताल्लक़ जोड़ेगा और अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात कानों के अंदर पड़ेगी मसाजद के माहौल से दूर होंगे तो दीन से दूरी होगी तो इसलिए मसाजिद के साथ अपना ताल्लक जोड़ें और मसाजिद के अंदर जा कर के अल्लम से अल्लाह और रसूल की जो बात सुने तो उस बात को आकर के फिर अपने घरों के अंदर अपनी माओ बहनों को वो बात आकर के पहुँचाएँ और उन्हें भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात समझाएँ इस तरह माएँ बहनें जो हैं नमाजों के अवकात में अपने अवलाद को अपने घर वालों को मस्जिद की याद दिलाए मस्जिद का आदि बनाएँ मस्जिद की तरफ उनका रुख करें तो प्यारे पैगम्बर अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद हर मोमिन का घर है और अब ज़र रजी ने अरे सलमान ने फारसी रजी अल्लान को यह नसीहत फरमाई कि है मेरे भाई मस्जिद तुम्हारा घर होना चाहिए जो आदमी मस्जिद का आदि होगा मैं जामुन हूँ इसका कि अल्लाह तबारक व ताली उसको पुलिस सराज से बिजली की तरह गुजार देंगे अल्लाह तबारक व ताली हमें अमल पेरा होने की तोफ़ी नसीहत फरमाए सल सदना محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين